तो कैसे हैं आप लोग? चलते हैं एक नए चैप्टर की ओर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास टेंथ का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। कुछ स्टूडेंट का डिमांड था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे वीडियो बना दीजिए, तो लेकर आ गए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना? तो आप देखो, कोऑर्डिनेट ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिक, मतलब बेसिक से ऊपर, मतलब बेसिक टू 100 कह सकते हैं कि 0 to 100 हम लोग इसके बारे में सीखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बहुत सारा वीडियो पहले बन चुका है और बहुत सारे कंसेप्ट अवेलेबल है आपके सोशल मीडिया पे। ठीक है? लेकिन आप एक बात समझ लो कि अगर इस वीडियो को आप देखते हो तो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो क्लास टेंथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, वो छूटेगा। ठीक है? तो आप वीडियो को अंत तक देखना और अगर बात समझ में आती है तो अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिएगा। और एक काम और आप ये कर सकते हैं कि अपने फ्रेंड को जितना ज्यादा उसको आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाओगे, आपका कंसेप्ट उतना ही अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने इस वीडियो में जो कंसेप्ट देखा या किस तरह क्वेश्चंस को बनाते हैं, अपने फ्रेंड को जाकर वो बात को समझाते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो इस चैप्टर पे पकड़ है वो बहुत मजबूत हो सकती है। ठीक है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला बात जो होता है कि इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ऑर्डर पेयर। ठीक है? ऑर्डर पेयर का मतलब कि एक पॉइंट अगर आपको दे दिया जाए ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, तो इस कोऑर्डिनेट को ऑर्डर पेयर कहा जाता है। ठीक है? यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू होता है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को, और जो सेकंड वैल्यू है वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने इस टाइप का कहीं ग्राफ देखा होगा, हम एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना? ये एक्स डैश होता है निगेटिव, ये वाई डैश होता है वाई निगेटिव। ठीक है? ये दोनों पॉइंट जो इंटरसेक्ट करता है उसको आप लोग ओरिजिन बोलते हो। इसके बाद आप देखो कि ये जो ट्रैवल करता है डिस्टेंस, ये एक्स होता है और ये ट्रैवल करता है वाई होता है। ठीक है? तो एक पॉइंट अगर यहाँ पे ए लेते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। इसका मतलब कि इससे परपेंडिकुलर हम गिराते हैं एक्स एक्सिस पे, तो ये एक्स डिस्टेंस को ट्रैवल करता है और ये वाई डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। ठीक है? ये बात को आपको समझना होगा। ठीक है ना? इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्चुअली हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कहने का मतलब कि किसी दो पॉइंट का दूरी हमको निकालना है, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, एक पॉइंट आपको ए है जिसका कोऑर्डिनेट ध्यान से समझना एक्स वन वाई वन है। ठीक है? एक बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स टू कॉमा वाई टू है। तो सपोज ये दोनों पॉइंट आपका प्लेन में कहीं पे, मान लेते हैं इस फिगर में, ठीक है, इस डायग्राम में ध्यान से समझना, मान लेते हैं एक पॉइंट ए यहाँ पे, एक पॉइंट बी यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर गिरेगा और यहां से ये परपेंडिकुलर गिरेगा। ठीक है? तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है, ये ए से बी तक का, ए और ये बी। ठीक है? तो इसके लिए क्या करोगे, ये जो ओरिजिन से इस तक का दूरी जो होगा वो एक्स टू होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक्स टू होगा, क्योंकि आपका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स टू है बी पॉइंट का। ठीक है? ये जो डिस्टेंस होगा ये एक्स वन होगा। मतलब अगर हम डिफरेंस निकालें इन दोनों पॉइंट का तो क्या निकल कर आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है? ये वैल्यू इसके बराबर होगा, मतलब इसको अगर सी मान लेते हैं तो। ठीक है? तो हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ ए सी इज एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है? फिगर से उसी सिमिलरली आप देखो, ओरिजिन से अगर इधर मूव करते हो तो इस पॉइंट तक का दूरी जो होगा वो y1 होगा और इस पॉइंट तक का दूरी जो होगा वो y2 होगा। ठीक है? तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगा bc,
बीसी जो हमारा होगा वो वाई टू माइनस वाई वन होगा। देखो इसको अच्छे से समझना तो समझ में आ जाएगा बात कि AC का वैल्यू आ गया हमारा X2 माइनस X1 और BC का वैल्यू आ गया Y2 माइनस Y1। तो आप देख सकते हो कि आपके पास एक ट्राइंगल है ACD, एंगल C आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ना, तो 90 डिग्री है। तो आप बोल सकते हो कि AB जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से AB स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, वैल्यू देखो AC का वैल्यू क्या है, X2 माइनस X1, X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। तो AB को आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला इस कंसेप्ट को देखो, अभी हम लोग जो कंसेप्ट पढ़े हैं वो डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है, क्या कहलाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यूज कब किया, जब आपको दो पॉइंट दिया हुआ था, टू गिवन पॉइंट्स, और ये दोनों पॉइंट्स का वैल्यू क्या था, ए पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन था और बी पॉइंट था जिसका कोऑर्डिनेट x2 कॉमा वाई टू था। तो उस प्रोसेस से इस फिगर में आप देख सकते हो कि ट्राइंगल ACB जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये जो कंसेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम, उसका यूज करके हमने डिस्टेंस निकाल लिया AB का। उसी तरह अगर एक पॉइंट दिया हुआ है इस प्लेन में, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई है और इसका पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है हमको ओरिजिन से, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से आपको क्या करना, पॉइंट पी का दूरी निकालना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो ये ओरिजिन हो गया 0 0, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोऑर्डिनेट 0 0 हो गया, एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। तो आप बताइए इन दोनों का दूरी हमको निकालना है, इसका मतलब ओपी निकालना होगा। तो ओपी को सिंपली लिख देंगे, देखो एक्स टू माइनस जीरो, एक्स टू तो यहाँ नहीं है, एक्स है, तो एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये ओपी का वैल्यू आ गया। ओपी मतलब कि अगर हमको डिस्टेंस निकालना है किसी पॉइंट का ओरिजिन से, तो आप ये कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं। तो उस पॉइंट का जैसे मान लीजिए आप इस पे क्वेश्चन दो लोग पे कर लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 2, 3 है, एक दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट 4, 5, ठीक है। तो आपको कह रहा है पॉइंट ए बी, क्या बोल रहा है, पॉइंट ए बी। ए बी का मतलब हो गया कि ए पॉइंट और बी पॉइंट का दूरी क्या होगा, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट का दूरी क्या होगा। तो ए बी निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर, देखो फॉर्मूला लगा लो, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। और इस फॉर्मूला को कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो ये x2 के जगह पर है और ये y2 के जगह पर है, ये y1 है और ये x1 है। तो आप वैल्यू सिंपली पुट कर सकते हो, रूट अंडर यहाँ क्या रख दोगे 4 और यहाँ क्या रखोगे माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या रखोगे 5 और यहाँ क्या रखोगे माइनस 3 का होल स्क्वायर। रूट अंडर ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर 4 प्लस 4, रूट अंडर 8 को क्या लिख सकते हैं 2 root 2। और इसका कोई यूनिट यहाँ पे नहीं है इसलिए यूनिट लिख देते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके किसी भी दो पॉइंट का दूरी हम निकाल सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए कि एक पॉइंट आपको दिया हुआ पी जिसका कोऑर्डिनेट -2, 3 है और इसका डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन निकालना है, कहां से निकालना है, फ्रॉम दी ओरिजिन। तो फ्रॉम दी ओरिजिन निकालने के लिए आप क्या करोगे, ओपी ओपी लिखोगे, ओरिजिन ओ से रिप्रेजेंट होता है, ओपी इज इक्वल टू रूट अंडर -2 का होल स्क्वायर प्लस
3 का होल स्क्वायर, सिंपली रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 क्या हो जाएगा रूट 13, रूट 13 यूनिट्स, ठीक है। माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, तो ये हो जाएगा रूट 13 यूनिट। तो इस तरह एक कंसेप्ट हम लोग अभी पढ़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो रहा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसमें देखो क्वेश्चन और कैसा आता है, ठीक है। सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। द क्वेश्चन इज फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 0.7,1 एंड 3,5, ठीक है। तो कहने का मतलब एक रिलेशन इस्टैब्लिश करना है, क्या करना है आपको, एक रिलेशन इस्टैब्लिश करना है एक्स और वाई में, एक्स एंड वाई में, जो कि आपका पॉइंट पी जो है वो इन दोनों पॉइंट से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब एक पॉइंट पी होगा एक्स कॉमा वाई, ये पॉइंट आपका इन दोनों पॉइंट से क्या होगा इक्वल डिस्टेंस पे होगा, मतलब इसका दूरी है ना और इसका दूरी दोनों क्या होगा सेम होगा, मतलब ए पॉइंट आपका मान लो 7,1 है, बी पॉइंट आपका 3,5 है, तो सॉल्यूशन जब करोगे तो लेट करोगे, लेट पी पॉइंट आपका एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए दैट इज 7,1 एंड बी पॉइंट दैट इज 3,5, मतलब ये दो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है पी पॉइंट से, ठीक है, या पी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से, ये बात बोल सकते हो। अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कैसे होगा, तो देखो करने का मतलब कि अगर हम पी ए एंड पी बी निकाल ले तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब क्वेश्चन जो बोल रहा है आपको क्या बोल रहा है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, वी गेट क्या हमको मिला पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अब यहाँ पे सवाल है कि सर आप स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, आपका मन नहीं करो, यहाँ पे इसलिए स्क्वायर कर रहे हैं कि स्क्वायर रूट आ जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला में, तो उसको हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब पी ए का वैल्यू हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको फर्दर आप एक्सपैंड करोगे तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ठीक है। इस तरह एक्सपैंड हम कर दिए चारों टर्म को। अब इसके बाद आप देखो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचा डाटा क्या, इधर आपका बचा देखो ध्यान दो, ये आपका माइनस 14x है, इधर आपका 6x है, इधर आ जाएगा तो माइनस 49x, सॉरी ये प्लस 49 कांस्टेंट टर्म है प्लस 1, मतलब टोटल आपका क्या हो गया, यार देखो 49 प्लस 1 क्या हो गया 50, ये हो गया माइनस 14x माइनस 2y, ठीक है इज इक्वल टू, इधर आप देखो तो 9 एंड 25 क्या हो जाएगा 34 माइनस 6x माइनस 10y, ठीक है। तो x और y वाले टर्म को एक्सेप्ट कर लो, कांस्टेंट टर्म को एक्सेप्ट कर लो, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि 50 माइनस 34 इज इक्वल टू 14x, देखो ये 14x माइनस में था उधर गया, इक्वल टू सेट गया तो प्लस 14x हो गया, ठीक है। इसके बाद माइनस 6x ऑलरेडी था यहाँ पे, ये उधर गया तो प्लस 2y हो गया और ये ऑलरेडी माइनस 10y था। इसको फर्दर लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो
देखो सिक्स फोर इधर से फोर इधर एट एट एक्स और ये क्या लिखोगे माइनस एट वाई और ये किसके बराबर हो गया यहाँ पे 16 हो गया। तो करने का मतलब इस रिलेशन को आगे ले जाओगे तो आपका मिलेगा कि 8 कॉमन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 है ना, तो x माइनस वाई का वैल्यू 2 आ गया। तो यहाँ से ये एक रिलेशन आया कि x और y का सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस जो होगा वो 2 होगा, या लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू 2 प्लस y, या आप लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू x माइनस 2। तो ये सब रिलेशन निकल कर आया, आपको जो लिखना लिख सकते हो ठीक है। तो इस तरह डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं इक्विडिस्टेंस दिया रहेगा तो। एक बात और आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर कोई पॉइंट आपका मान लेते कि पी पॉइंट है ठीक है, वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, किसमें है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा दोनों पॉजिटिव होगा। अगर पॉइंट क्यू है और ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब ये आपका नेगेटिव प्लस होगा। इसके बाद पॉइंट आर है जिसका कोऑर्डिनेट छोड़ दो थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा माइनस माइनस, और उसके बाद एस एक पॉइंट है ये आपका प्लस माइनस होगा किस में फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये बात याद रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होता है, सेकंड में एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, मतलब पहला एक्स वाला डाटा नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव, और इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ही, अगर कोई पॉइंट इफ अ पॉइंट है ना लाइज ऑन एक्स एक्सिस, अगर इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है एक्स कॉमा जीरो। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है, कहां लाई करता है वाई एक्सिस पे, तो उसका जो फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशन का ये लेट करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका जो फॉर्मेट होगा एक्स कॉमा वाई जीरो होगा ठीक है, यहाँ पे जीरो कॉमा वाई लेट करेंगे ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि जो वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा उसका जो फॉर्म होगा जीरो होगा एक्स वैल्यू और वाई लेंगे, यहाँ पे वाई जीरो होगा और एक्स लेंगे ठीक है। तो इस तरह आप इस बात को याद रखना और डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस को ट्राई करना, जरूर बनेगा। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर आप कमेंट कर सकते हो ठीक है। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना होता है बात वो होता है सेक्शन फॉर्मूला, क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला में आप एक बात देखो कि दो पॉइंट आपको दिया हुआ है, ए जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन है और दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट एक्स टू कॉमा वाई टू, मतलब दो पॉइंट आपको दे रखा है ए एंड बी, तो दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दे रखा है। इन दोनों पॉइंट से जो लाइन आपको फॉर्मेशन होगा उस लाइन को एक पॉइंट पी जो है कट करती है किस रेशियो में एम इज टू एन के रेशियो में ठीक है। ये कहलाता है इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इंटरनली काट रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान में रखना कि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट आपको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है और वाई कोऑर्डिनेट यानी वाई का वैल्यू, तो एक्स निकालने के लिए आप क्या करते हो एम में एक्स टू, मतलब इस एम में एक्स टू को मल्टीप्लाई करोगे प्लस एन में आप एक्स वन को मल्टीप्लाई करोगे और नीचे आपका एम प्लस एन होगा। वाई इज इक्वल टू देखो एन के साथ वाई टू जाएगा, एन के साथ नहीं एम के साथ ठीक है, एम के साथ वाई टू और एन के साथ वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, तो ये आपका पॉइंट पी आ जाएगा कुछ इस फॉर्मेट में एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन।
ठीक है, तो ये पी पॉइंट आपका निकल कर आ जाएगा। और इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन है और एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा सेक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पे हम करेंगे, आप इसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला पे आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब आपको क्या किया जा रहा है कि एक पॉइंट दिया हुआ है, वो इन दोनों पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, मतलब कि आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी से एक लाइन सेगमेंट तैयार हो रहा है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट 3, -8 है और इसका कोऑर्डिनेट आपका -6, -10 है। एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट आपका -4, -6 है। इसका मतलब कि आपको रेशियो बताना है कि किस रेशियो में इसको डिवाइड किया जा रहा है। तो रेशियो लेट कर लेते हैं k:1, लेट द रेशियो बी k:1। हमें ऐसे याद रखना, जब रेशियो पूछेगा तो k:1 लेट करेंगे। तो इस हिसाब से आपका जो वैल्यू होगा m:n जो होगा, मतलब m का वैल्यू k मान सकते हो और n का वैल्यू 1 मान सकते हो। ठीक है, तो सिंपली यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, देखो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो, x को क्या लिख सकते हो, x को आप mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m + n लिखते हैं। x के जगह पर देखो -4 है, यहाँ पर पुट कर दिए, इज इक्वल टू m के जगह पर क्या है, k है। x2 के जगह पर क्या है, 3 है, प्लस n के जगह पर 1 है, x1 के जगह पर -6। ठीक है, ये पुट कर दिया, y में क्या हो गया, k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -4k+1 से इनटू हो गया और इज इक्वल टू में 3 - 6 हो गया, सॉरी 3k - 6। यहां से -4k - 4 इज इक्वल टू 3k - 6, -4k ये इधर आ गया, तो -3k इज इक्वल टू -6 + 4। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो आप देख सकते हो कि -7k इज इक्वल टू क्या हो गया, -2। तो k का वैल्यू हो गया -2/-7, तो ये -1 कट गया, k का वैल्यू 2/7। therefore required ratio जो होगा वो क्या होगा, 2:7, मतलब 2:7 इसका रेशियो आ जाएगा। ये हमने x लेकर आगे बढ़ा, आप क्या कर सकते हो, y को भी लेकर आगे बढ़ सकते हो, y कोऑर्डिनेट मतलब 6 को लेकर। ठीक है, तो इस तरह रेशियो निकालने के लिए बोलेगा, या आपको दो पॉइंट दिया रहेगा, रेशियो दिया रहेगा, तो उस पॉइंट को निकालना होगा, जो पॉइंट उस पॉइंट से जो बना हुआ लाइन सेगमेंट होगा उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरह आप सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। और इसमें बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप जरूर पूछें। ठीक है, नेक्स्ट एक कोलिनियर कंसेप्ट होता है, कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है कि आप देखो, जैसे करने का मतलब इस पे एक क्वेश्चन लेकर हम इसको बनाने का कोशिश करेंगे। देखो जैसे तीन पॉइंट अगर एक ही लाइन पे है, इसका मतलब ये कोलिनियर है, मतलब ए पी और बी, मतलब ए पी इज इक्वल टू एपी प्लस, मान लेते हैं एपी प्लस बीपी इज इक्वल टू, अगर ए बी आ जाता है तो ये तीनों पॉइंट आपस में क्या हो गया, कोलिनियर। तो याद रखना, तीन पॉइंट दिया हुआ है क्या, वो कोलिनियर है, उसको प्रूव करने के लिए आप ये कर सकते हो। कोलिनियर प्रूव करने के लिए अगर एरिया जीरो आ जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कंसेप्ट यूज करके आप कोलिनियर प्रूव कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका एक कंसेप्ट है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए मान लेते हैं कि ये आपका ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ठीक है, पॉइंट पी है जो मिड पॉइंट है, मतलब x, y। तो इस x को लिखेंगे x1 + x2/2, और ये y को हम लिखेंगे y1 + y2/2। तो इस तरह मिड पॉइंट, हम देखो हम क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं, सिंपली आपको कंसेप्ट बताए हैं
और कंसेप्ट का आप यूज करोगे, इसमें क्या क्या बात हम लोग पढ़े, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला है ना, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चन किए, डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन किए, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, मिड पॉइंट्स क्या होते हैं, ये बात समझे। एक कंसेप्ट ये भी होता है सेंट्रोइड, मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का वर्टेक्स आपको दे रखा है एबीसी, एक जी पॉइंट है जो सेंट्रोइड है इन ट्राइंगल का, तो जी पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, मतलब तीनों वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दोगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो ये सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकाल सकते हैं हम लोग, तो उसको क्या किया गया है, बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसलिए अभी हम इस वीडियो में नहीं कोट कर रहे हैं, बाद में कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखना कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कैसे होता है, सेक्शन फॉर्मूला का यूज कैसे होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने के लिए, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। तो इस तरह आप अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी ही सफिशियंट है, एनसीईआरटी आप प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चंस को डील कर दो, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।